ओला को एसी ना चलाने की वजह से 95,000 रुपीस का चलान भरना पड़ा। What? असल में पिछले साल ओला के कस्टमर श्यामल और उनकी वाइफ ने ओला कैब बुक करी, बट वो कैब काफी गंदी थी एंड जब इन्होंने ड्राइवर से एसी चलाने को कहा तो ड्राइवर ने मना कर दिया। इसके अलावा ड्राइवर ने उन्हें बीच ट्रिप में ही उतार दिया एंड एक्स्ट्रा पैसे भी चार्ज किए। श्यामल ने ओला से जब ये कंप्लेंट करी तो इन्हें कोई सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो इन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में पिटीशन फाइल किया एंड रिसेंटली कोर्ट ने इसे एक्नॉलेज करते हुए ओला को 95,000 रुपीज का फाइन भरने को कहा है। कमीशन ने ओला को अपने कस्टमर को रिफंड करने के लिए भी कहा है अलॉन्ग विद 12% इंटरेस्ट रेट।